नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंटर्स फ्रेंड में। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे साइबर कैफे या CSC या फिर जन सेवा केंद्र कैसे खोलते हैं। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो भी आप इसका काम कैसे कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या क्या आपको लेना पड़ेगा CSC या जन सेवा केंद्र चलाने के लिए, और अगर आपके पास CSC जन सेवा केंद्र है या फिर आप नया खोलेंगे तो इसके साथ आप कौन कौन से काम और कर सकते हैं जिससे कि आपकी इनकम जो है डबल हो जाए। इनकम डबल या ट्रिपल करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप 2024 में बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली इस वीडियो के अंदर। तो ये चलते हैं शॉप के अंदर। तो ये रही हमारी शॉप, ये जनसेवा केंद्र की शॉप है। तो अब बात आती है कि जनसेवा केंद्र या CSC या साइबर कैफे खोलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक PC होना चाहिए, कंप्यूटर, या आप लैपटॉप से भी काम चला सकते हैं। एक प्रिंटर, कलर प्रिंटर चाहिए आपको, जिससे कि आप आधार कार्ड, PVC कार्ड और कलर का जो भी काम है उसे कर सकते हैं। एक आपको फोटोकॉपी प्रिंटर चाहिए, जिससे कि आप फोटोकॉपी वगैरह कर सकते हैं। एक आपको लेमिनेशन मशीन चाहिए, तो ये रही लेमिनेशन मशीन। अभी सबके रेट बताएंगे आपको। एक ये छोटा सा हैंड कटर, इसका क्या क्या रोल है, किस चीज का। तो बेसिकली क्या होता है कि जनसेवा केंद्र के लिए CSC अगर आप चलाते हैं तो आपको एक ID की जरूरत पड़ती है। CSC ID बोलते हैं जिसको, जनसेवा केंद्र ID। तो उससे क्या क्या होता है, CSC से क्या होता है कि आप आय, जात, मूल निवास, राशन कार्ड और भी जो सरकारी फॉर्म्स वगैरह कुछ होते हैं तो आप CSC के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ID नहीं है तो आप किस तरीके से चला सकते हैं, तो आज इस टॉपिक पर अभी सबसे पहले बात करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास ID नहीं है तो आप कैसे वर्क करेंगे साइबर कैफे में। तो आपको बिल्कुल ही घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साइबर कैफे में क्या होता है कि जो नॉर्मली काम होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं, उनका ID से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप आधार कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट वेबसाइट से होता है। आप खतौनी निकालेंगे वो UP गवर्नमेंट की जो खतौनी की वेबसाइट है उससे निकाल सकते हैं। विरासत ऑनलाइन करेंगे वो भी डायरेक्ट निकलती है। UP का स्कॉलर फॉर्म है, उसके लिए भी कोई ID नहीं चाहिए। अब बात फंसती है पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड के लिए आप अलग से ID आती है, UTI या NSDL की आपको ID मिल जाएगी। आपकी नियरेस्ट लोकल में कोई ना कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो वहां से आप उससे ID ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो आधार से पैसे निकाले जाते हैं उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। आधार से पैसे निकालने के लिए कई सारी ID चलती हैं, जैसे कि रैपिड पे, AEPS की बहुत सारी ID हैं तमाम। तो आप उनमें से कोई ट्रस्टेड ब्रांड चूज कर सकते हैं, रैपिड पे एक ट्रस्टेड ब्रांड है, और भी आते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। इसी प्रकार आप पैन कार्ड की ID ले सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके साइबर कैफे खोलने के लिए। अब बात करेंगे साइबर कैफे के साथ साथ आप और क्या काम कर सकते हैं। कैफे के साथ साथ आप प्रिंटिंग का भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चाहिए होगा आपको सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जिससे कि आप साइबर कैफे का काम और कोरल ड्रा का काम दोनों कर सकते हैं। तो कितना खर्चा आएगा अभी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 30,000 से 40,000 रुपये आपका कंप्यूटर के ऊपर लगेगा, जिसमें कम से कम 8 GB की रैम, नहीं तो 16 GB, आज के टाइम के अनुसार 16 GB रैम होनी चाहिए, और विंडो 10 और i5 प्रोसेसर होना चाहिए। तो लगभग 30,000 से 40,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका PC के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर। अब इसके बाद बात करें कलर प्रिंटर की। तो कलर प्रिंटर ये LR105 मॉडल है, ये आपका पड़ेगा 18,000 से 20,000, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक कलर प्रिंटर और आता है जो भी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, उसमें फोटोकॉपी और कलर प्रिंटिंग दोनों होती है, जिसमें 4 कलर होते हैं, ये 6 कलर का टैंक है। तो वो आपका लगभग 12,000 से 15,000 रुपये में आ जाता है। उसमें 2-3 मॉडल आते हैं टॉप, अच्छे अच्छे मॉडल, तो आप उसमें से देख सकते हैं कौन सा लेना है। फिर एक चाहिए होता है आपको लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का क्या काम है, इससे आप एक तो फोटोकॉपी कर सकते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या रहता है कि जो हम लोग प्रिंटिंग के लिए मैटर निकालते हैं तो वो लेज़र प्रिंटर से ही निकाला जाता है, तो उसका उसमें इस प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। या तो आप सिर्फ प्रिंट वाला भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बजट है ठीक ठाक तो उसके लिए अलग प्रिंटर लगा सकते हैं, अदरवाइज इससे आप लेज़र प्रिंटर है तो आप इससे काम चला सकते हैं। तो ये भी आपका लगभग, अब आज के ज़माने में अगर आप लेज़र प्रिंटर लेंगे कोई सा भी, तो
20,000 के आसपास मिलेगा आपको। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लेमिनेशन मशीन की, तो ये लेमिनेशन मशीन आपको 1,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और इन्वर्टर से भी चल जाती है। बहुत ही छोटी होती है और A4 साइज का प्रिंट इसमें निकल जाता है। मोस्टली साइबर कैफे पर A4 साइज के ही प्रिंट निकलते हैं। इसके बाद आता है आप कैंची से काम चला सकते हैं और ये एक हैंड कटर भी आता है छोटे मोटे पेपर काटने के लिए, जैसे कि ये सीट काटनी है तो हम लोग इस सीट को इस पेपर पे काट सकते हैं। इसके अलावा चाहिए होगा आपको काउंटर, तो आप ये काउंटर अपने लोकल में बनवाएंगे तो लगभग हल्का फुल्का काउंटर लेंगे आप बना बनाया रेडीमेड तो आपको 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। अगर आप अच्छा थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे तो उसकी लागत कम से कम 8-10 हज़ार रुपये आ जाएगी। अब बात करते हैं पेपर की, जो A4 पेपर आता है, ये जो इसकी रिम रखी हुई है A4 पेपर, ये रिम आती है 200-250 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगी मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से, कहाँ पे कितना रेट चलता है और किस कंपनी का पेपर है। तो यहाँ भी पेपर रखा है स्टॉक में, पूरा पैकेट रखा होगा यहाँ पे। जब आप पूरा बंडल खरीदते हैं तो आपको 200 या 210 रुपये में पड़ जाता है, 220 मैक्सिमम। अगर आप फुटकर पेपर की दुकान से खरीदेंगे तो 250 रुपये के आसपास पड़ेगा। और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो रहता है इन्वर्टर। ये इन्वर्टर, एक इन्वर्टर और एक बैटरी, जिससे कि बैकअप होना ज़रूरी है आपकी शॉप पर। मान लो कोई काम कराने के लिए आया और उसी समय लाइट चली गई तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं और कंप्यूटर भी ख़राब हो सकता है, विंडो चली जाती है। इसलिए इन्वर्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आप बाइंडिंग मशीन भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई बाइंडिंग वाला आता है तो ही आप लें, अदरवाइज रहने दें। ये बाइंडिंग मशीन आपको 3500-4000 रुपये में मिल जाती है। तो ये थी सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपको एक साइबर कैफे में चाहिए। अब इसके अलावा आपको अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके अलावा आप प्रिंटिंग का काम करके अर्निंग बढ़ा सकते हैं। आप शादी कार्ड छाप सकते हैं, तो शादी कार्ड का जो मैटर है वो आपके कंप्यूटर में बनता है। कंप्यूटर में बनने के बाद में लेदर प्रिंट में निकाला जाता है इसका बटर पेपर, और बटर पेपर से फिर शादी कार्ड, ब्लैंक शादी कार्ड होते हैं, उन पर छापा जाता है। तो यहाँ से आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो शादी कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रिंटिंग के काम होते हैं, जैसे कि ये हो गया शादी कार्ड, ये इनविटेशन कार्ड में मान लीजिए कुछ किसी को 100 कार्ड चाहिए, 200 कार्ड चाहिए, स्टीकर, ये बारात स्लिप, और ये विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड का भी काम आप कर सकते हैं। तो कुछ सर्टिफिकेट टाइप के बनते हैं। तो प्रिंटिंग में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे काम होते हैं। लेटर पैड का भी काम कर सकते हैं, जो लेटर पैड होते हैं यहाँ पे देखेंगे आप, लेटर पैड जो होते हैं और कुछ इनवेलप्स, तो ये इस तरीके से ये बहुत सारे काम हैं प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। अगर आप साइबर कैफे के भरोसे रहेंगे तो आपकी इनकम कम होगी और टाइम तो आपका उतना जाना ही है, दुकान पे आपको बैठना ही पड़ेगा और टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो टाइम के साथ अपनी इनकम को भी इंक्रीज करें। तो इसी चैनल पर हमारी एक स्क्रीन प्रिंटिंग की वीडियो, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग की भी एक वीडियो है, उससे आप सीख सकते हैं प्रिंटिंग के बारे में। मोहर कैसे बनाते हैं उसकी भी प्रॉपर वीडियो है। पेपर की कैसे कटिंग होती है उसकी भी हमने एक प्रॉपर अलग वीडियो बना रखी है। क्या क्या साइज होते हैं, विजिटिंग कार्ड की कितनी सारी वैरायटी थी, क्या क्या रेट हो रहते हैं उसकी भी वीडियो है, और प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोज हैं। तो चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखें एक करके। आप जो है मोबाइल एसेसरीज का भी काम कर सकते हैं, हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं अगर साइबर कैफे के साथ, अगर आपके आसपास मोबाइल की दुकान नहीं है, क्योंकि मेरी दुकान के पास में काफ़ी सारी मोबाइल की दुकानें हैं, तो इसलिए मेरे पास नहीं है और मैंने उसका कोई काम नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे मोबाइल की कोई दुकानें नहीं हैं, तो आप टेम्पर ग्लास, टेम्पर लीड, चार्जर केबल, ये सब छोटा मोटा आइटम रख सकते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब साइबर कैफे में एक चीज़ और आती है, फास्टैग। तो फास्टैग लगा के भी, एक फास्टैग पर आपको लगभग 100 रुपये बचता है, तो आप फास्टैग लगा कर भी कमा सकते हैं। कई सारी कंपनियों के फास्टैग आते हैं, एयरटेल, इंडसइंड बैंक, SBI, तो कोई एक या दो कंपनी का आप फास्टैग ले लीजिए और लगाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर कैफे खोलने के लिए या प्रिंटिंग प्रेस का काम करना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आप हमारी वीडियो में बने हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है प्रिंटर्स फ्रेंड, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी टेक्निक्स और हेल्प्स करते हैं और आपको नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं और नई नई वीडियो बनाते रहते हैं प्रिंटिंग के फील्ड में। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं,
तो कमेंट करके अपने ज़िले का नाम या अपनी लोकेशन ज़रूर डालें, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट में एक हार्ट का इमोजी ज़रूर दें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए और वीडियो ढूंढ ढूंढ कर लाएं, किस तरीके से आपको और मोटिवेट किया जाए, आपके इनकम के सोर्स बढ़ाए जाएं, किस तरीके से अपनी आपकी अर्निंग बढ़ाई जाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ फाइनली कैलकुलेट करके बताएंगे आपको कि कितना खर्चा आने वाला है। तो बात करेंगे पीसी की, कंप्यूटर आपका आ जाएगा 30-40 हज़ार के अंदर, कलर प्रिंटर 13 हज़ार का मिल जाएगा आपको, लेजर प्रिंटर मिल जाएगा 20 हज़ार का, लेमिनेशन मशीन मिल जाएगी आपको 1 हज़ार के आसपास, 1000 या 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, वो एक अलग बात है। एक कटर, पेपर कटर मिल जाएगा 900 को, और एक काउंटर बनेगा आपका 8 हज़ार रुपये के आसपास, इन्वर्टर लगभग 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अदर्स में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कई सारी, जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाते, अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लगभग 10 हज़ार रुपये जोड़ दिए ऐसे ही, जो आप छोटा मोटा सामान खरीदेंगे, प्रिंटिंग का, पेपर का, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर कॉस्ट जो बन रही है लगभग 112,900। तो अदर में इसलिए 10 हज़ार ज़्यादा जोड़ दिए कि छोटा मोटा सामान आपका कवर हो जाए, तो लगभग आप 1 लाख रुपये मान के चलिए, जिससे आप साइबर कैफ़े ओपन कर सकते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। साइबर कैफ़े के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, फ़ोटो कॉपी, कलर फ़ोटो निकालना, अर्जेंट फ़ोटो निकालना, आधार कार्ड प्रिंट करना, पैन कार्ड, आधार से रुपये निकालना, स्कॉलरशिप फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, ये वैकेंसी वाले जो भी फॉर्म होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। इसी प्रकार से प्रिंटिंग में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार दिल से ज़रूर कमेंट करें।